हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आगे हम बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 माइनर सेकंड मॉडल पेपर हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर जो कि आपका पेपर होने वाला है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज हम इसके आईएमपी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आईएमपी क्वेश्चन इस प्रकार रहे। क्वेश्चन बने हमारा कारेलिन हिंदी तथा शामन हिंदी का परिचय देते हुए अंतर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलती रहती है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विराम चिन्हों को समझाते हुए इनकी आवश्यकता व महत्व लिखिए। ठीक है, इस पर टिप्पणी भी आ सकती है, आपको जो है इसे अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया पर हिंदी लेखन कौशल तकनीक पर प्रकाश डालिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रारूपण किसे कहते हैं। प्रारूपण लेखन की पद्धति पर टिप्पणी लिखिए। वीडियो की ज़्यादा शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ताकि और लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, उनकी भी हेल्प हो सके। क्वेश्चन पाँचवा है संप्रेषण किसे कहते हैं। इसकी आवश्यकता व अंतर लिखिए, सॉरी इसकी विशेषताएं व अंतर दीजिए। राजभाषा हिंदी की संविधानिक स्थिति का वर्णन कीजिए, इससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन सातवा है हमारा दोस्तों यूनिकोड फॉन्ट पद्धति से आप क्या समझते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले फॉन्ट्स का परिचय दीजिए। कंप्यूटर में हिंदी भाषा के उपयोग के इतिहास की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नौवा है हमारा पारिभाषिक शब्दावली क्या है। इनके निर्माण सिद्धांतों का वर्णन करते हुए इसकी आवश्यकता को रेखांकित कीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है आईएमपी क्वेश्चन है, आपने जरूर याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन दसवा। ठीक है, क्वेश्चन दसवा निम्न पर टिप्पणी लिखे। ई गवर्नेंस सॉफ्टवेयर व वेब ब्राउचरों के नाम, आभासी कक्षाएं, आवेदन पत्र, विज्ञापन व ईमेल के उपयोग। ठीक है, हिंदी वेबसाइट और पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, इस पर जो है आपको बहुत ही अच्छे से टिप्पणी तैयार कर लेनी है। ठीक है, इनमें से कोई तीन तो पक्का आएंगे टिप्पणी में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है ग्यारहवा शासकीय व अर्धशासकीय पत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए, इनकी विशेषता व इनकी परिभाषा भी दीजिए। ठीक है, यहाँ पर टिप्पणी लिखिए, यहाँ पर टिप्पणी आई है। ठीक है, यहाँ पर ई पुस्तकालय, निविदा व प्रतिवेदन अर्थ उपयोग, हिंदी का ब्लॉग लेखन, हिंदी का मानक रूप, प्रारूपण का अर्थ महत्व। ठीक है, यहाँ पर प्रारूपण का अर्थ महत्व, ठीक है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन तेरहवा, हिंदी भाषा में कार्यालयीन पत्र लेखन के महत्व समझाते हुए सरकारी पत्रों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन चौदहवा है हमारा कार्यालयीन हिंदी के स्वरूप व उद्देश्य लिखिए। हिंदी भाषा के मानवीकरण स्लाइड क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समझाइए। यहाँ पर जितने भी आईएमपी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे आईएमपी क्वेश्चन ही हैं। आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तो आपको कहीं के क्वेश्चन की जो है आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन क्वेश्चनों के नोट्स ज़रूर बना लेना दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे और आपको जो है आसानी से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। ठीक है।